घी बनता है तो उसकी जो खोटन बच जाती है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ताजा ही घी बना लेती हूँ। 2-4 दिन का मक्खन होता है उसको गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद उसका जो वेस्ट होता है वो भी यूज हो जाता है। घर पे बन जाती है बहुत ही टेस्टी सी पंजीरी। तो सबसे पहले मैं घी को गर्म कर लूंगी, उसके बाद रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घी बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, ब्राउन हो चुका है, कच्चा नहीं है बिल्कुल भी। अब इसको गर्म करके मैं कंटेनर में छान लूंगी, उसके बाद पंजीरी बनाने का प्रोसेस भी शुरू करूंगी। बहुत ही टेस्टी सी पंजीरी मैं बना लेती हूँ और सभी बच्चे हाथों हाथ इसको खा जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का टच दे देती हूँ, थोड़ी सी कैशियो किशमिश वगैरह सब कुछ डाल के, नारियल डाल के, बहुत ही अच्छी सी पंजीरी है वो बन के तैयार हो जाती है। तो इसको थोड़ी गर्म होने दूंगी। घी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसको मैं छान लूंगी। क्रिस्टल कलर का घी है वो निकल चुका है, कभी भी खराब नहीं होता। जल्दी से आप इसको गर्म करके रखते हैं तो वो खराब हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह से इस तरह से ब्राउन कर लेते हैं तो ये खराब नहीं होता। इसको करेंगे साइड पे। अब इसी बैटर में हमें डालना है आटा। आटा हम देख के डालेंगे, जितना इसमें मिक्स हो सकेगा उतना ही आटा हमें इसमें डाल लेना है। बहुत ज्यादा आटा भी नहीं डालना है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं डालना, तो वो हलवा बन जाता है। फिर हम बना रहे हैं पंजीरी, इस तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसको मेल्ट कर लेना है, जो इसकी पनीर का लेफ्ट ओवर बचा है घी का, इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। पता भी नहीं चलेगा कि हमने आटे की पनीरी बनाई है या हमने घी गर्म करने के बाद उसके चाव की हमने पनीरी बनाई है। तो गांव में तो ऐसे ही बना ली जाती है, शहरों का तो पता नहीं, क्योंकि शहरों में थोड़ा फुल क्रीम दूध कम यूज़ किया जाता है, लेकिन ये हेल्दी सी चीज़ें गाँव में अक्सर देखने को मिल जाती हैं। वो इस तरह से अच्छी तरह से इसको हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है फ्रेंड, ताकि आटा बिल्कुल भी हमारा कच्चा ना रहे। इसको मैं पेशेंस के साथ है वो घूमती रहूंगी। अब इसका कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है और कच्चापन भी खत्म हो चुका है, क्योंकि तकरीबन 2 मिनट होते हैं इसको भून लेती हूँ। 2 मिनट में हो जाता है कि बैटर थोड़ा सा कम है और कढ़ाई बड़ी है, तो अच्छी तरह से ये भून चुका है। इसी स्टेप पे हमने फ्रेंड डाल देनी है शक्कर। आप चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे शक्कर का यूज़ कर रही हूँ। 4 बड़े चम्मच मैंने शक्कर है वो यूज़ कर ली है। साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें कटे हुए काजू, कटा हुआ नारियल और कटी हुई किशमिश, जिससे भी बहुत ही पौष्टिक हो जाती है। इसको करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। अब इसको ठंडा होने के बाद बर्तन में निकालूंगी।